गिरफ्तार जे जो जेई सिकंदर जादवेंदु के संदर्भ में खुलासा करें कि कौन है ये सिकंदर कुमार जादवेंदु। रांची जेल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी जब बंद थे तो इनके सेवा सुरसा में लोग कहते हैं कि लगे रहते थे, सारी व्यवस्था यही करते थे वहाँ। और ये सिंचाई विभाग के, जैसा कि बताया है कि ये सिंचाई विभाग में जो ही है, जो सोशल मीडिया में आप लोग का चल रहा है, और इनको नगर विकास विभाग में किसने लाया? और एक जगह दानापुर से लेके कई जगह का प्रभार किसने दिया? ये पूरे मामले में कैसे उनके घर से लेके बाहर तक एकाधिकार प्राप्त किए हुए थे श्रीमान लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी के घर से बाहर तक की इनकी पहुंच स्पष्ट है। और कई जो इनके बारे में चर्चा है वो अभी जांच का विषय है, पुलिस के माध्यम से भी आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है। हम तो मांग करेंगे कि जो ऐसे लोग हैं इसकी पूरी तहकीकात हो। इनका और कई रिपोर्ट है मैसेज वाला जो यहाँ से भेजा गया है, और हमारे पदाधिकारी सिकंदर कुमार के नाम से बुक करा के अनुराग यादव को ठहरवाया। ये सिकंदर कुमार जो नीट परीक्षा के अभ्यर्थी को परीक्षा में धांधली की जो विषय आई है, यह पूरा मामला है। मैं मांग करूंगा कि इन लोगों के उच्च स्तरीय जांच हो, और बच्चों के भविष्य के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, बिहार को बदनाम कर रहे हैं, सत्ता में रहते हैं तब भी नियुक्ति में घोटाला करते हैं, और सत्ता से बाहर रहते हैं तब भी नियुक्ति को प्रभावित करने का खेल खेलते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह के ये तमाम विषय लोगों के बीच चर्चा है। तो अभी नेता प्रतिपक्ष जवाब दें कि ये प्रीतम कुमार आपके साथ था या नहीं, वो फोन किया था, उनका सारा डिटेल है। सर उसमें एक मामला जो है 440 वाला और मंत्री जी लिखा हुआ, तो क्या ये आपके आप्त सचिव की ओर से लिखा हुआ पत्र है? कोई पत्र नहीं है, विभाग में हमने बात किया है, ये इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग मैसेज मारे हैं। और हमको तो जो यहाँ पर एसी है, जो इंचार्ज होता है, उसने कहा कि आवंटन लेटर हमने जारी ही नहीं किया, जबकि ये प्रदीप कुमार जिसने मैसेज मार करके जेई को भेजा और उनको भी सूचना किया। हमने तीनों पदाधिकारी को स्पष्टीकरण कल ही बैठक में स्पष्टीकरण लेते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश हमने जारी किया है। एक बता रहे हैं, ये सब आरसीडी के हैं कि एनएचआई के? ये आरसीडी से ही जुड़े हुए प्रभार में है। एक तो हो गए प्रदीप कुमार, दूसरा धर्मेंद्र कुमार धर्मकांत है। हाँ, धर्मेंद्र कुमार धर्मकांत, धर्मकांत सिर्फ धर्मकांत है, धर्मेंद्र कुमार, धर्मेंद्र कुमार धर्मकांत है। ये कनीय अभियंता है, अभी प्रमोशन होके सहायक अभियंता, धर्मकांत। और तीसरा है अधीक्षण अभियंता, बोला ये तो सेक्रेटरी तो लिखना, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। इनके ऊपर आरोप क्या है, तीनों पर जो सस्पेंड किया है? बिना आवंटन के कैसे ठहरने का आदेश दिया, और इतनी बड़ी धांधली में ये हफ्ता भर से ये मामला चल रहा है, विभाग के मंत्री के ऊपर कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, और ये मौन क्यों था? और इस तरह से कहीं ना कहीं तथ्य को छुपाने का, वरगलाने का और विभाग को बदनाम करने का खेल
क्यों खेला गया? सर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर भी निलंबित हुए। हाँ का नाम सिकंदर कुमार उनके नाम से था। हाँ। अनुराग यादव के नाम से नहीं था। इसीलिए कि ये उमेश राय उसका नाम है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। हाँ, तीनों की जिम्मेदारी है। हम पूरी उमेश राय अधीक्षण अभियंता, उमेश राय अधीक्षण अभियंता। इनकी लापरवाही, गैर जिम्मेदारी, तथ्य को छुपाना, विभाग को बरगलाना, ये तमाम विषय को लेकर, और मैंने एक चीज और निर्णय लिया है कि विगत एक वर्ष के अंदर हमारे यहाँ के एनएचआई के गेस्ट हाउस हो या जिला के अंदर जो गेस्ट हाउस है, कौन कौन लोग ठहरे हैं, सबका डिटेल मंगवा रहे हैं। इस तरह के वातावरण जो बिहार और बिहारी शब्द को कलंकित करता है, जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, उनको पूरी सख्त कार्रवाई करने का हमने निर्देश भी दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है। तो आपके विभाग जो है प्रीतम कुमार के खिलाफ कुछ करेगा? निश्चित तौर पर। इसीलिए तो हमने कहा है कि इस तरह के दबाव डाल करके पद का दुरुपयोग करना, वो बीपीएससी के पदाधिकारी हैं, लोग बता रहे हैं। अब निजी सर, जैसे लेटर नंबर 448 का कहना है कि बिना पत्र के ही, और वो कौन लिखा है उसकी भी मैं जांच करवा रहा हूँ। एक बार पूछिए तो कि बीपीएससी के पदाधिकारी। नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखिए हर घटना से सबक लेकर, हर घटना से सबक लेकर सुधार की प्रवृत्ति बनेगी। मैं खुद जब हमारे संज्ञान में आया, और आप लोग ही मीडिया बंधुओं ने परसों से जब हमसे शुरू किए, तो हमने इंटरेस्ट लेकर के हमने कहा कि इस तरह का खेला, हम तो चुनाव में वो लगे हुए थे, चुनाव के बाद इधर शुरू किए, लेकिन इतना बड़ा खेल और जिम्मेदारी, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के साथ रहने वाले लोगों की इस तरह का कार्रवाई, ये घोर निंदनीय है, और ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे, सहानुभूति के कतई अधिकारी नहीं हो सकते। आज शाम को हम बैठेंगे अपने अपर मुख्य सचिव के साथ, सब पदाधिकारी के साथ। हाँ नहीं नहीं, वो सरकार लेगी, क्योंकि वो हमारे विभाग से, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हम लोग वहाँ भेजेंगे। निश्चित तौर पर इन लोगों का ये बड़ा खेल है, और ये खेल पहले से कहीं न कहीं चल रहा है, इसकी जांच की जरूरत है। इन लोगों को तत्काल आर्थिक अपराध इकाई से लेकर और जो भी जांच की एजेंसी है, बिहार को कलंकित करने वाले ये राजद से जुड़े मानसिकता के जो लोग हैं, हमने पहले भी कहा था कि राजद के लोग अपराध और भ्रष्टाचार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बढ़ावा देते हैं, और बदनाम करने का प्रयास, हम ही को घेरा में लाने का प्रयास किया है। मैंने जो खुलासा किया है, जो तथ्य पर वो जवाब दिया, इसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए मैं भेज रहा हूं। अब ये बदला नहीं जाएगा, ये कॉल जो है, ये सारे कॉल और तथ्य। एक ये है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मंत्री जी आप नहीं हैं। अब तो सारा प्रमाण है, जिन लोगों को
दे देना, कॉपी करवा देते हैं, फोटो ऐसा करें मैं एक व्हाट्सएप पर, अरे एक व्हाट्सएप पर लेके सबको भेज देता हूँ। अरे कुछ नहीं, हम स्कैन करते हैं 2 सेकंड। हाँ ले, सबको भेज दीजिए। अरे पकड़ो ना, हम अपने अपने प्रेस ग्रुप पर डाल देते हैं और इन दोनों का ये पत्र भी है। प्रीतम कुमार और सिकंदर आपस में लोग कह रहे हैं कि संबंधी है। प्रीतम कुमार और सिकंदर के बारे में कह रहे हैं कि वो दूर का संबंधी है। अब गांव का हो या दूर के संबंध में हो, ये भी अपना जांच का विषय है। ये उच्च स्तरीय जांच लोग कर लेंगे। मंत्री जी कौन है सर? मंत्री जी बोले। अरे तो पूर्व वो भी तो इस विभाग के मंत्री ही तो थे, पूर्व मंत्री ही तो थे, उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। अब बेचारे जो ले वहाँ, एक मिनट और ले आओ तो लोग व्यक्ति को बयान दिलवा देते हैं। लाओ प्रदीप को, लाइए दोनों को बुलाओ, घर एक एक करके बुलवा देते हैं। बयान दबा देते हैं, लाओ मैं वो दोनों को बुला लीजिए, एक मिनट बोलेगा। तो हमारा कंप्लीट हुआ, जो प्रदीप जी है उनसे भी बयान दिलवा देते हैं। बोलाइए प्रदीप को, अरे प्रदीप बोलाओ ना। ग्रुप में डाल दो भाई, बोला उधर से। सौरभ सौरभ एक कर्मचारी है, प्रदीप जी तो डिप्टी सीएम ये मैं चुप से सुन, आप एक मिनट आप सुन लीजिए। आप तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मीडिया के समक्ष मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और वो बता रहे कि किस तरीके से सिकंदर यादव, और देखिए कि जो जानकारी है वो डिप्टी सीएम की तरफ से दी जा रही है, और साथ ही साथ एक कॉल इन्फो जो है वो भी हम आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वो कॉल इन्फो ये बता रहा है कि किस तरह प्रीतम जी ने फोन किया था, जोर से बोलिए, प्रीतम जी ने फोन किया था सिकंदर कुमार के नाम से बुक कराने के लिए 1 तारीख को, फिर दोबारा उन्होंने 4 को किया था, तो हमने कहा रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन भेज देंगे, उनका चला जाएगा, और उस जो उन्होंने कहा था उसी के हिसाब से उन्होंने मैसेज जेल को भेज दिया, तो उनको बता भी दिया था रिक्वेशन आएगा, ये रहेंगे इनके नाम से बुक करने का फलाने आदमी का अनुरोध है। प्रीतम जी ने कितने रूम बुक करवाए? आपने लिखा था? नहीं हमने नहीं। किसने लिखा था? वो मुझे नहीं जाना। वो हम लोग करवा रहे हैं जांच की, कौन किया ये हेयर फोन, कौन कराया था आपको, किसने फोन किया था? प्रीतम जी ने फोन किया था। प्रीतम जी कौन है? प्रीतम जी आप सचिव रहे हैं तेजस्वी जी के। क्या कहा उन्होंने? तेजस्वी जी का आप सचिव। क्या कहा उन्होंने? थोड़ा तेज बोलिए ना, थोड़ा नाम बताइए, पूरा नाम बताइए। आप माइक पर बोल दीजिए, बोल दीजिए, आप अपने झुक के बोल दीजिए, झुक के बोलिए, कौन है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप जी हैं, यहीं पर हैं, कर्मचारी हैं संविदा पर। आप कस करके बोल दीजिए इसको ना, बोलिए ना, दूसरे विभाग से आए हैं। प्रीतम जी ने हमको फोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए, फिर 1 तारीख को रात में, फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था, हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा, तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ। देखिए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति यादव जी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मीडिया के सामने हैं और कह रहे हैं
कि तेजस्वी यादव के पीएस का जो संबंध है वो सिकंदर यादवेंदु जो आरोपी है उसके साथ है, और वो कह रहे हैं कि दूर का संबंधी हो सकता है लेकिन इन दोनों का कनेक्शन है, और जिस तरीके से पीएस ने कमरे का को बुक कराया, किस तरीके से आप इस संबंध को देखते हैं, क्या वाकई कोई संबंध है इस न्यूज पेपर लीक मामले में सिकंदर का और तेजस्वी के पीएस का? उपाध्यक्ष वो कौन है, जनता दल यू का महिला उपाध्यक्ष कौन है, सम्राट चौधरी के साथ फोटो किसका है, सोलभर कौन है, प्रश्न पत्र कहां से आए, नीट से क्वेश्चन कैसे निकल गया, जिसको कंडक्ट करना था एग्जामिनेशन वहां से क्वेश्चन कैसे निकला बाहर, डिप्टी सीएम मेंटल हो गए क्या विजय सिन्हा, जरा लेटर दिखवाइए तो। एक पीएस प्रीतम से जो बातचीत हुई है सिकंदर यादवेंदु की व्हाट्सएप कॉल पे, वो भी एक इन्फो दिखा रहे हैं। नहीं नहीं, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन रेज करेगा क्या, अपने दामन बचाने के लिए ये पथ निर्माण मंत्री ब्रिटिश सीएम बैठे हुए हैं, दोनों आपस से पटता नहीं है, दोनों डिप्टी सीएम में इनके साथ फोटो खिंचाया हुआ है सम्राट चौधरी के साथ, उपाध्यक्ष है जनता दल यू में, संजय जायसवाल के लिए काम करता है सोशल मीडिया में, ये कहाँ का मामला कहाँ ला रहा है इधर भाई, हसवे के ब्याह में कुर्पी का गी, ये कहाँ इधर लेके आ रहा है, ये अपनी पाप धोना चाह रहे हैं क्या, ये आपस कर ले कहिए इनको बात को, ये आपस करते हैं बार बार। डीपीसी में भी कह रहे हैं कि तेजस्वी के पीएस ने ही सिकंदर के नाम पर जो देखा जीवन में कभी, हाँ इतना वर्थलेस डिप्टी सीएम मैंने बिहार में किसी को नहीं देखा कि बिना सिंह पुच्ची का कोई बात करता है, पता नहीं आप लोग कैसे टेक, अरे कोई साक्ष्य होना चाहिए किसी एविडेंस लाने के लिए, कोई व्यक्ति किसी के बारे में कह रहा है कि हमको टिकाया गया, अरे तुम कैसे विदाउट एप्लीकेशन कैसे टिकवा लिया भाई, जांच करवाए, जांच एजेंसी का बयान दिलवाइए कि कौन लेटर है, 40 नंबर लेटर कहां है, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, जांच एजेंसी नाम ली है क्या जरा बताइए तो, जांच एजेंसी ने नाम लिया है, अभियुक्त ने नाम लिया है क्या, ये अपना तरफ जो आता हुआ जो देख रहा है तो का गोला पहुंच रहा है भाजपा का तरफ, अलग ले जाना चाहते हैं छिटका जी। चलिए शक्ति यादव जी आपके पास आएंगे, बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति यादव की शायद आप बात सुन पा रहे थे, वो तो बीजेपी पर ही आरोप लगा रहे हैं कि संजय जायसवाल से किसी का संबंध है तो जेडीयू के उपाध्यक्ष से संबंध बता रहे हैं, क्या जवाब आप देंगे, और डिप्टी सीएम खुद मीडिया के सामने और कह रहे हैं कि पीएस और जो सिकंदर है उनका संबंध है। हेलो, हाँ अरविंद जी, जो डिप्टी सीएम अभी मीडिया के सामने कह रहे हैं कि तेजस्वी के पीएस और सिकंदर जो आरोपी है इस न्यूज पेपर लीक मामले का, उनका उन दोनों का संबंध है, इस बात को खारिज कर रहे हैं शक्ति यादव जी। देखिए, शक्ति यादव जी को जांच एजेंसियों पर विश्वास नहीं है, तेजस्वी यादव जी को जांच एजेंसियों पर विश्वास नहीं है, कोर्ट पर विश्वास नहीं है, न्यायालय पर विश्वास नहीं है, संविधान पर इनको विश्वास नहीं है, इनको सिर्फ जो है खाता न पही जो लालू परिवार कही वो है सही, किसी फार्मूले पर ये चलते हैं, देश में संविधान बना हुआ है, देश में जांच एजेंसियां बनी हुई है, आप किसी तरह के घपले घोटाले या गलत काम करेंगे तो उनके लिए न्यायालय बना हुआ है, तो आपको जो है ये सब चीज से परहेज है, लोग जो है। चलिए आप कार्रवाई की बात करें, लेकिन शक्ति यादव जी आप भी इस बात को कह रहे हैं कि संजय जायसवाल से संबंध, संजय जायसवाल का सोशल मीडिया आखिर हैंडल कौन करता है, तो इस बात की पुख्ता जानकारी पुख्ता सबूत आपके पास क्या है, वो तो व्हाट्सएप मेरे पास पुख्ता सबूत है, राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर हैंडल पर देखिए फोटो सहित हमने लगाया है, और एक बात इस बात को जान लीजिए, उपाध्यक्ष वो महिला कौन है जनता दल यू में, भारतीय जनता पार्टी का एमपी के साथ कौन काम कर रहा है, जांच एजेंसी ने नाम लिया क्या, जांच एजेंसी ने किसी का नाम लिया क्या, नंबर एक, ये मेन कल्प्रिट को बचाना चाहते हैं, कनेक्शन जुड़ा हुआ है बड़े लोगों के साथ, अरे भैया पर्चा पत्र लीक कैसे हुआ, जांच एजेंसी ने कोई खुलासा नहीं किया, डिप्टी सीएम जांच एजेंसी है क्या, क्या चीज है भाई, ये क्या चीज है, ये जांच एजेंसी है, ये तय बोलेंगे वही अंतिम कानून होगा क्या, आपस लेवे का ये बात इनको। अच्छा, सिकंदर ने 5 बार तेजस्वी के पीएस को कॉल किया, ये व्हाट्सएप ऑडियो का एक जो स्क्रीनशॉट है वो भी स्क्रीन पर भी हम चला रहे हैं, जो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के हाथों में भी है, उस पर क्या कहेंगे। मैं पूछता हूँ एक बार, आप लोगों को मैं फोन करता हूँ किसी दूसरे वास्ते से, आप उसको दूसरा वास्ता जोड़ लीजिएगा, पीपुल कंसर्न में जो लोग रहते हैं, आप जानते हैं कि हम लोग कई तरह के चीज कई लोगों को फोन करते हैं, तो फोन करने का मतलब किसी को कोई दोषी ठहरा दीजिएगा क्या जी,
चलिए अरविंद जी कह रहे हैं कि दोषी को किसी को ठहरा दीजिएगा, जो एजेंसी है वो ही जांच करनी चाहिए। आप भी जांच की बात कह रहे हैं लेकिन आपके ऊपर ही, आपके नेताओं के ऊपर ही कई आरोप लगा रहे हैं। शक्ति यादव जी कह रहे हैं कि बकायदा हमने आरजेडी के ऑफिशियल हैंडल पे कुछ सबूत भी डाले हैं। कोई कोई दोषी आदमी को दोषी कह दीजिएगा तो उनकी बेचैनी बढ़ जाती है। तेजस्वी यादव जी और शक्ति यादव जी की वही बेचैनी बढ़ी हुई है। सारे भ्रष्टाचार में ये पूरी पार्टी अकंठ डूबी हुई है और जैसे ही इन पर इल्जाम लगाएगा कोई कहेगा तो इनकी बेचैनी बढ़ जाती है, वही बेचैनी बढ़ी हुई है। शक्ति यादव जी लेकिन हाँ जवाब तो पूरा दे दें, जांच एजेंसी को तो कोई जानकारी नहीं है, सीधा आदमी है, मुख्यमंत्री है बिहार के और उनसे जो पूछ रहे हैं उनका तो जवाब दीजिए। अरविंद भाई को कोई जानकारी बेचारे को नहीं है, सज्जन आदमी है, सीधा आदमी है, इनसे क्यों ये सवाल पूछ रहे हैं? सवाल डिप्टी सीएम ने खड़ा किया, वह अभी दूसरे नंबर का डिप्टी दो नंबर का डिप्टी सीएम ने बात किया है, जो शिवराज चौधरी के बाद उठ लिए हैं वो दो नंबर का डिप्टी सीएम, तो दो नंबर के डिप्टी सीएम ने जो बात कही उसमें कोई सच्चाई एविडेंस किसी प्रकार का साक्ष्य सामने लाए, विदाउट एविडेंस कोई एलिगेशन किसी पर अप्लाई करे कभी भी कोई एडमिट नहीं कर सकता। हमने जो सोशल साइट पे डाला उसमें संजय जसवाल से लेकर करके जनता दल से संबंध होने की बात को पुष्ट किया। अरे भाई चारा घोटाला में भी आप ऐसी बोलते थे, उसके बाद न्यायालय ने जो कारावास का सजा दिया। अरे न्यायालय तो न्यायालय ने न्यायालय पर कहे जा रहे हैं, न्यायालय ने तो बंगारू लक्ष्मण को छोड़ दिया हाथ लेते हुए पैसा छोड़िए ना, बहुत बात है उस पर कहे जा रहे हैं। विश्वास कीजिए शक्ति भाई, अरे भाई आप काहे नहीं से पढ़ रहे हैं, आप सीधा आदमी, आप प्रवक्ता हैं भाजपा के, देश के न्यायालय जो है ठीक है तो हम है, भाजपा के लोग ज्यादा सीधा है अपने मुकाबले, भाजपा में सीधा कहा, भाजपा में तो ज्यादा जो आप व्यक्तिगत काहे नहीं से पढ़ रहे, जानकारी नहीं है, जानकारी प्राप्त कर लीजिए, उनके फर्जीवाड़ा में आप मत फंसिए, आपको भी लगा तो कैसे बोल रहे हैं। लेकिन विजय सिन्हा जी, अरे आपके दो नंबर का जो डिप्टी सीएम है जो सम्राट चौधरी के बाद है वो दूसरे नंबर का, दो नंबर की बात कर रहे हैं के उप मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं तो सबसे सच्चा जो है राजद ही है क्या? राष्ट्रीय जनता दल तो है, विजय सिन्हा जी जो पूछे बिहार के युवा की बात, आज बिहार के प्रति किसी की ताकत है कि तेजस्वी जी ने जो पीछ पिछा दिया है नौकरी का उससे हटके हिम्मत है किसी के अंदर में कि नौकरी? चलिए देखिए जिस नौकरी की आप बात कर रहे हैं, जिस नौकरी की क्रेडिट ले रहे हैं, इसी नौकरी के लिए तो आस लगाए वो छात्र भी बैठे हुए, अभ्यर्थी भी बैठे हुए हैं जो नेट एग्जाम को देते हैं, पेपर लीक ऐसे हो जाते हैं और इस तरीके की बातें निकल करके सामने आती है, तो जवाब तो शायद आपको भी शक्ति यादव जी देना चाहिए। हम उसी जवाब का इंतजार कर रहे हैं जो सवाल उठा रहे हैं डिप्टी सीएम, जिनके हाथों में वो कागजात हैं, कुछ व्हाट्सएप के ऑडियो कॉल के स्क्रीनशॉट हैं, सारा चीज है, सारे भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, पूरा बिहार को एक बार जंगल राज में ये लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं, पूरे देश को रटा दिया गया, टकली पहना दिया गया आंख में, जो भाषा रटाया जाता वही रटता है, सच और झूठ का आकलन इनके पास नहीं, बेचारे के पास है, क्या करेंगे? ये रटंत रटंत विद्या वाले प्रवक्ता है, क्या करे कहिएगा, वही से बेचारा के लिख के प्रवक्ता नहीं है। अब यही तो दिक्कत है कि अनपढ़ पढ़ दीजिएगा तो गुस्सा लगता है। अरे भाई सीधा साधा आदमी है, ये बेचारा निकले होंगे, आप फोनों ले लिए होंगे, इनको देश में इनका इनके पास कुछ साक्ष्य नहीं है, चलिए पता नहीं अपना गाल बजा रहे। चलिए बिल्कुल शक्ति यादव जी, अरविंद जी ये जरूरी हो जाता है कि इन सब तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच छात्रों का भला हो, अभ्यर्थियों का भला हो और वो इस जो ग्रहण फंसा हुआ है एग्जाम पर उससे वो निकल पाए और उनका जो भविष्य है वो सुरक्षित हो पाए। एक ब्रेक का वक्त हो चला है और जल्द वापस आएंगे।